नास्तिक इंसान जो है वो किसी चीज में नहीं मानता। तो एक नास्तिक इंसान को यदि कोई आपके पास लेकर आता है तो आप उसको सबसे पहले तो कैसे, क्योंकि मान लीजिए आप किसी व्यक्ति के प्रेशर में मैं आया हूँ और आप मेरे लिए कुछ काम कर रहे हैं, मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो आप मुझे कैसे कन्विंस कर सकते हैं, क्योंकि आप तो नहीं कर पाओगे अगर मैं मान के बैठा हूँ। कोई अगर फोर्स, देखो एक तो अपने आप आएगा नहीं व्यक्ति, कोई फोर्सफुली लाया है तो उस केस में हम ये करते हैं, सामने वाला जब बैठा है ठीक है वो अपने क्वेश्चन पूछेगा ना, और जब उसको सिचुएशन के आंसर पता चलेंगे ना कि उसके साथ ये चीज हो रही है तो उसका बिलीफ सिस्टम बढ़ेगा। ठीक है, जैसे मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं, उनके बच्चे लेके आएंगे। अभी हमने रेडिसन में मेरा एक एग्जीबिशन था, गर्ल केम, बच्ची मतलब थी, उसको क्वेश्चन पूछने थे, उसकी मम्मी परेशान थी, तो इट वॉज हर प्लान कि मैं बैठने के बाद उनको बिठा दूंगी। वो बैठी, मैंने उनसे पूछा, ठीक है, वो एक्सेप्ट करने रेडी नहीं थी कि मैं जो बोल रही हूँ वो सही है, ठीक है, और मैंने उनसे क्रॉस क्वेश्चन किया कि ये आपकी लाइफ में हो रहा होगा, वो डिनाई कर रही थी, और पीछे से उनकी डॉटर खड़े हो गई थी, मुझे बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, शी इज लाइंग, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, शी इज लाइंग, एंड आफ्टर दैट एट द एंड शी एक्सेप्टेड इट, ठीक है, वो बोले कि नहीं मैम ये चीज हो रही है, ये तो चलो नास्तिक हो गए। मैं तो आपको बताती हूँ बिलीफ सिस्टम के लिए, एक मेरे पास PhD करे हुए एस्ट्रोलॉजर है, मैं ऐसे गोल्ड शॉप पे गई, वो बैठे हुए थे, उनने मुझसे बोला कि अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ, मैं देखो आपको बताऊंगा सब, उन्होंने मुझे सब नेगेटिव बोला, मेरे को लिटरली डिप्रेशन आया। उन्होंने मुझे बोला कि आप जिसके साथ हो अभी, आप तो बहुत ज्यादा स्टक अपने रिलेशनशिप के चक्कर में हो, जिसके साथ हो वो धोखा दे रहा है। मैंने उनके मुंह पे बोला उसकी हर चीज का एक्सेस मेरे पास है, क्या धोखा, ठीक है, हर चीज का एक्सेस मेरे पास, नहीं नहीं मैं तो बोलता हूँ कि देखो ऐसा होता है वैसा होता है, कुछ नहीं, मम्मी के पास जाकर जो फूट फूट के रहो, मैंने उनको तो आंसर दे दिया, उन्होंने बोला मम्मी क्या बोल रहे हैं, इन्होंने बोला ऐसा ऐसा होगा, तो बोलते कि बेटा ऐसा नहीं मतलब होता है, ठीक है। और जब पता है उनने मुझे टेस्ट किया, मैंने उन्हें बताया मेरा प्रोफेशन टैरो रीडर का है, उन्होंने मुझे टेस्ट करने के लिए, चलो मैंने तुम्हारी बताई ना अब तुम मेरी बताना, उन्होंने मुझे कॉल पे कनेक्ट किया, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे, मैंने टाइमलाइन सहित उनको बोल दिया, और वो मुझसे बिल्कुल क्रॉस क्वेश्चन ऐसे कर रहे थे ना कि बहुत टिपिकल क्वेश्चन थे यार, बट स्टिल मैं भी थोड़ी नर्वस थी कि यार PhD किया हुआ इंसान है, मैं एक टैरो रीडर हूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजर है, शास्त्र पढ़ा है उसने, वो भागवत करता है, तो मतलब कहीं ना कहीं कितना पावर होगा। मैं बैठी, मैंने उनसे बोला चालू किया ऐसा ऐसा है, उनने डिनाए, कम्प्लीटली डिनाए, आखिरी में उनने बोला कि जो तुमने बोला वो पॉइंट टू पॉइंट सही था, और मैं इतना मतलब उससे पॉजिटिव फील कर रहा हूँ, तो मैंने बोला आपने जो बोला मैं डिप्रेशन में चली गई। ये तो डर का धंधा भी होता है ना, जो चीज आप कर सकते हो खुद कर लो, बस क्योंकि अगर वही आखिरी बात वही आ जाती है, आपको नहीं है, आप बिलीव नहीं कर रहे हो, तो चीज वहीं खत्म हो जाती है। नास्तिक डिनाई करेगा, बट अगर आप उसको रियलिटी जब सामने उसको दिखेगा ना कि यार सच पता चल रहा है, वो अपने आप ट्रस्ट करेगा। मतलब एक तरह से ये है कि प्रूफ पे काम हो रहा है। क्योंकि देखो इस मैं आने से पहले, इस प्रोफेशन में आने से पहले मैं नास्तिक ही थी। मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि लाइफ थ्रो करती है फिर आपको, कि आपको ट्रस्ट करना पड़ता है कि देयर इज अ सुपरनैचुरल पावर व्हिच इज रनिंग अस, जो हमको चला रही है। तो चेष्टा मैम के साथ ये डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग रहा, काफी सारी क्यूरियोसिटीज ऐसी हैं जो मुझे लगता है आपकी भी पूरी हो गई होंगी। आपको कैसा रहा एक्सपीरियंस, आप बताइए। मेरा बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। ओपनली मुझे किसी से बात करने का मौका मिला। मैंने शुरू में ही बोला था मैंने कि आप बस शुरू करिए, बाकी मैं देख लूंगा। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, एक तो कि आपने मुझे इस चीज का मौका दिया। टॉपिक ऐसा है मैम कि आधी दुनिया जानना चाहती है, इतना ज्यादा चल रहा है अभी, बहुत ज्यादा। मैं एक चीज जरूर ऐड करना चाहूंगी उन लोगों के लिए जो दो दो तीन तीन दिन के या दस दस दिन के कोर्सेज कर रहे हैं, अपना प्रोफेशन इसमें स्टार्ट कर रहे हैं, बेटर आप लोग ना उस पर रिसर्च करो और फुल लेंथ कोर्सेज करो, जिसमें एक एक चीजें आपकी मतलब सॉल्व हो, समझ आए आपको, नहीं तो आप लोगों की जिंदगी खराब करोगे, ठीक है। आपको लोग गलत बोलेंगे पीठ पीछे, वो आपको एनर्जी मिलेगी नेगेटिव, और आप ड्रेन हो जाओगे, फिर आप अपना और अपना फैमिली लाइफ अच्छा नहीं बता पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान आपको बददुआ देगा अगर आप किसी के लिए गलत करोगे, अच्छा करोगे तो वही दुआ का पात्र बनोगे। तो बेटर है अगर स्टार्ट करना है, आप कुछ कर रहे हो,
तो उसको अच्छे से करो कंप्लीट नॉलेज के साथ, इनकम्प्लीट नॉलेज के साथ मत करो।